हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट्स मेजर्स। आज की इस क्लास में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम इन डिस्टेंस फैक्टर राउटिंग। काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम जो है वो डिस्टेंस फैक्टर राउटिंग में अक्कर होती है। क्यों अक्कर होती है ये सारे पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक एक करके, लेकिन आपको मैं पहले बता दूं कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए कैसे काम करती है, क्या होती है, और उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने विद एग्जांपल एक्सप्लेन किया हुआ है और उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो एक बार वो वीडियो जरूर चेक कर लें। अगर आपको वो ऑलरेडी पता है फिर आपको ये इजिली क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम जो है वो डिस्टेंस वेक्टर में अक्कर होती है ड्यू टू सम रीजन। तो अगर आपको डिस्टेंस वेक्टर के बारे में नहीं पता होगा तो आप ये समझ नहीं पाओगे, तो पहले वो समझ लो फिर आप काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम पे आओ। चलिए यहाँ पे मैं एग्जांपल से बताता हूँ। लेट्स से हमारे पास यहाँ पे नोड ए है, नोड बी है और वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। मैं एक और नोड बना लेता हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी यहाँ पे दे सकूँ। लेट्स से हमने एक और नोड बना ली यहाँ पे सी, ये देखो इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे हमने करना क्या है, इंटरनेट से बी की कॉस्ट क्या है, यहाँ पे हमारे पास हर एक लिंक की कॉस्ट जो है वो कितनी दे रखी है, वन दे रखी है। मतलब ए से सी की कॉस्ट वन है, ए से बी की कॉस्ट वन है, बी से इंटरनेट की कॉस्ट क्या है, वन है। ये पॉइंट हमें ऑलरेडी पहले दे रखा है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने बनाना है कि यार अगर बी ने इंटरनेट पे पहुंचना है तो ऑब्वियसली इनिशियल उसको पता है हेलो मैसेज वो सेंड करेगा तो उसकी कॉस्ट उसको पता लग गई। बी जो है वो इंटरनेट पे कैसे पहुंच जाओगा विद द कॉस्ट ऑफ वन। क्यों? क्योंकि एक लिंक है और उस लिंक की कॉस्ट कितनी है, वन। अब ए बी से कैसे कनेक्टेड है विद द लिंक ऑफ वन, बट क्या ए इंटरनेट पे पहुंच सकता है अभी? नहीं, इनिशियली ए को कुछ नहीं पता कि वो इंटरनेट पे कैसे पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि ए के नेबर्स हैं बी और सी, तो वो इंटरनेट से अभी कनेक्टेड नहीं है डायरेक्टली, तो उसकी कॉस्ट उसके लिए इनफाइनाइट। ऐसे सी बी इंटरनेट की कॉस्ट कितनी रखेगा, इनफाइनाइट। मैं यहां पर पूरा डिस्टेंस फैक्टर नहीं बना रहा, मैं सिर्फ हरेक नोड की कॉस्ट बता रहा हूं अकॉर्डिंग टू इंटरनेट। मतलब इंटरनेट पे पहुंचने के लिए बी की कॉस्ट है वन, ए की कॉस्ट है इनिशियली इनफाइनाइट, सी की कॉस्ट है इनिशियली इनफाइनाइट, क्योंकि अभी उनको कुछ नहीं पता, उनको सिर्फ अभी अपने नेबर्स के बारे में पता है। अब होगा क्या, जब पहला पास होगा, जब हम पहली बार नेबर्स क्या करते हैं, नेबर्स ही एक दूसरे को अपने डिस्टेंस वेक्टर जो है वो सेंड करते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट यहां पे कि नेबर सेंड करेंगे क्या, नेबर सेंड करेंगे सिर्फ वेक्टर। मतलब क्या सेंड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक सेंड करेंगे जिसमें उन्होंने ये लिखा होगा कि कॉस्ट इतनी है। मतलब बी जो है वो ए को क्या भेजेगा, वो बी ए को भेजेगा कि मैं तेरे को इंटरनेट पे ले जाऊंगा विद द कॉस्ट ऑफ वन। अब ए को पता है कि मैं बी पे कैसे पहुंच सकता हूं विद द कॉस्ट ऑफ वन, तो वन प्लस वन कितनी कॉस्ट होगी, टोटल टू। इंटरनेट पे पहुंचने की कॉस्ट कितनी होगी, टोटल टू, क्योंकि बी ने ए को क्या बोला, मैं तेरे को एक कॉस्ट में ले जाऊंगा इंटरनेट पे, और ए को पता है कि ए से बी की कॉस्ट कितनी है, वन, तो वन प्लस वन क्या हो गया, टू। अब होगा क्या, यहां पे Obviously, नेक्स्ट पास में क्या होगा, अभी पहले पास में तो सिंपल बी ने ए को बता दिया कि मैं तेरे को ले जाऊंगा विद द कॉस्ट ऑफ वन, तो ए ने अपना वेक्टर जो है वो वन से टू में चेंज कर दिया। अभी जो है सी को इस बारे में कुछ नहीं पता लगा, सी को जब ए भेजेगा तो वो इनफाइनाइट ही भेजेगा, तो पहले राउंड में कुछ नहीं पता लगा, पहले राउंड में सी से इंटरनेट की कॉस्ट अभी इनफाइनाइट है। हाँ, ये चेंज हो गया, ए से इंटरनेट की कॉस्ट कितनी हो गई, टू, और बी से इंटरनेट की कॉस्ट ऑलरेडी क्या है, वन है। अब जब नेक्स्ट राउंड होगा तो नेक्स्ट राउंड में ऑब्वियसली फिर नेबर सेंड करेंगे, तो नेबर्स जब सेंड करेंगे तो मेन पॉइंट यहां पे देखो, जब ए सेंड करेगा सी को वेक्टर टू, मतलब ए सी को बोलेगा कि मैं तेरे को इंटरनेट पे ले जाऊंगा विद द कॉस्ट ऑफ टू। अब सी को पता है कि वो ए पे कैसे पहुंचेगा विद द कॉस्ट ऑफ वन, तो टोटल कॉस्ट क्या हो गई, थ्री। ए ने बोला कि मैं तेरे को दो कॉस्ट में ले जाऊंगा इंटरनेट पे, और सी से ए की कॉस्ट क्या है, वन, तो टू प्लस वन क्या हो गया, थ्री, और ये वाली कॉस्ट मेरी टू एज इट इज है, ये वाली कॉस्ट मेरी वन एज इट इज है। तो यानी इसके बाद अगर नेक्स्ट राउंड में वो आपस में डिस्टेंस वेक्टर पास भी करेंगे तब भी कॉस्ट आपकी कुछ में चेंज नहीं रहेगी। जैसे अगर लेट से सी ए को कहता है कि मैं तेरे को थ्री कॉस्ट में ले जाऊंगा और ए सी को कहता है मैं तेरे को दो कॉस्ट में ले जाऊंगा, तो यानी सी का डिस्टेंस वेक्टर कितना रहेगा, थ्री रहेगा इंटरनेट के लिए, और ए का भी वेक्टर कितना रहेगा, ए के पास क्या पहुंचा, सी का मैसेज पहुंचा कि मैं तेरे को थ्री कॉस्ट में ले जाऊंगा, और इधर से बी जो है वो उसको वन कॉस्ट में लेके जा रहा है, तो यानी मिनिमम कॉस्ट मेरी टू ही है और मिनिमम कॉस्ट मेरी वन है, कोई चेंज नहीं होगा। इसको बोलते हैं हम नॉर्मल ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म हो रहा है। अब हम बात करते हैं इसमें स्पेशल केस, स्पेशल केस मतलब कि काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम कैसे अक्कर होती है।
लेट से ये लिंक जो है ना बी से इंटरनेट वाला लिंक क्या हो गया, ब्रेक हो गया, मतलब ड्यू टू सम रीजन बी से इंटरनेट वाला लिंक क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब बी को तो इसके बारे में पता लग गया, क्यों, क्योंकि हेलो मैसेज जो है वो सेंड नहीं होगा, तो बी तो तुरंत क्या कर लेगा, मैं कलर चेंज करके यहाँ पे करा देता हूँ, बी जो है वो अपनी कॉस्ट इंटरनेट की कितनी कर देगा, इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि बी को पता लग गया कि मैं इंटरनेट से अब कनेक्टेड नहीं हूं, तो उसने कॉस्ट कर दी इनफाइनाइट। अभी ए को इसके बारे में कुछ नहीं पता, सी को इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो इसमें अभी कुछ चेंज नहीं होगा। अब देखो नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अब देखो होगा क्या, जब नेबर्स आपस में सेंड करेंगे तो देखो बी ने ए को सेंड किया इनफाइनाइट कि भैया मैं तेरे को इंटरनेट पे नहीं लेके जा सकता, मेरी कॉस्ट तो क्या है, इनफाइनाइट। याद रखना सिर्फ वो मैट्रिक सेंड करते हैं, सिर्फ क्या सेंड करते हैं, सिर्फ कॉस्ट सेंड करते हैं, ये नहीं सेंड करते कि वाया किससे लेके जा रहे हैं या कैसे, नहीं, सिर्फ वो वैल्यू सेंड करते हैं कि इनफाइनाइट। तो ए को पता लग गया अच्छा इनफाइनाइट कॉस्ट हो गई, वो अभी कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, वैसा नहीं कि वो तुरंत इसको इनफाइनाइट कर देगा, वो इनफाइनाइट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि सी भी ए को मैसेज सेंड करेगा ना, सी भी ए को मैसेज सेंड करेगा, तो सी ने ए को क्या भेजा, कॉस्ट 3, मतलब सी ए को बोल रहा है कि मैं तेरे को 3 कॉस्ट में ले जाऊंगा इंटरनेट पे, ये नहीं बोल रहा कि मैं तेरे ही थ्रू लेके जा रहा हूं। देखो ध्यान से, आपको लग रहा होगा कि सर ये कैसे हो गया, सी ए के थ्रू ही तो लेके जा रहा है, लेकिन यहां पे डिस्टेंस वेक्टर में ड्यू टू बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन हम सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक सेंड करते हैं, सिर्फ कॉस्ट की वैल्यू सेंड करते हैं, हम ये सेंड नहीं करते कि किसके थ्रू लेके जा रहे हैं। वो लिंक स्टेट वगैरह में आगे हमने इसको रिजोल्व कर लिया, या स्प्लिट होरिजन में भी हमने रिजोल्व कर लिया, लेकिन अभी की बात यह है सी ए को बोलेगा कि मैं तेरे को 3 कॉस्ट में ले जाऊंगा इंटरनेट पे, तो ए सोचेगा अच्छा बी तो मेरे को नहीं लेके जा पा रहा क्योंकि उसकी कॉस्ट तो इनफाइनाइट होगी, लेकिन सी मेरे को लेके जा रहा है और सी की कॉस्ट क्या है 1, तो टोटल कॉस्ट देखो उसने क्या कर दी, अपडेट 4 कर दी, यही पे गड़बड़ हो गई। अगर सी बोल देता कि मैं तो तेरे थ्रू लेके जा रहा हूं तब तो ये होता नहीं, लेकिन ये चीज नहीं है, ये बाद में रिजॉल्व हो गई, लेकिन इनिशियली ये काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम यही थी। तो सी ने ए को बोला कि मैं तेरे को 3 कॉस्ट में ले जाऊंगा, 3+1, क्योंकि ए से सी की कॉस्ट क्या है 1, तो टोटल क्या कॉस्ट क्या हो गई 4। अब इस टाइम पे देखो ए ने भी भेजा होगा मैसेज, जब ए ने मैसेज भेजा होगा तो 2+1 उसकी कॉस्ट अभी क्या है 3 है, और ये कॉस्ट अभी देखो यहां पे क्या हुआ होगा, ए ने भी तो बी को भेजा होगा ना, जब बी ने ए को भेजा इनफाइनाइट तो ए ने भी तो बी को ए भेजा होगा, ए ने बी को क्या भेजा 2 कॉस्ट, मतलब ये एक ही पॉइंट पे हो रहे हैं, ये सारे के सारे पैरेलल सेंड हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि ए बी को भेज रहा है, बी ए को भेज रहा है, सी ए को भेज रहा है और ए सी को भेज रहा है, सारे अपने नेबर्स में सेंड कर रहे हैं, ये एक पास है, ये एक टर्न को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन मैं एक बार में सारे तो नहीं बता सकता, तो मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब देखो जब ए ने बी को बोला कि मैं तेरे को 2 कॉस्ट में ले जाऊंगा, ये नहीं बोला कि मैं तेरे थ्रू लेके जा रहा हूं, वो कह रहा है मैं तेरे को 2 कॉस्ट में ले जाऊंगा, और बी से ए की कॉस्ट कितनी है 1, तो वो क्या कर देगा 3 अपडेट कर देगा, यहीं पे बेवकूफी हो गई, उसने ये नहीं बताया कि मैं तेरे थ्रू लेके जा रहा हूं, और ये चीज पहले प्रॉब्लम थी, बाद में रिजॉल्व हो गई, लेकिन इनिशियली ये प्रॉब्लम थी। अब देखो इससे नेक्स्ट राउंड में और भी इंटरेस्टिंग है, इससे नेक्स्ट राउंड में क्या हुआ, ये तो एक राउंड कंप्लीट हो गया, एक जो आप कह सकते हो शेयरिंग कंप्लीट हो गई, नेक्स्ट शेयरिंग में देखो क्या हुआ, नेक्स्ट शेयरिंग में और बेवकूफी क्या की, अब बी ने क्या बोला ए को कि मैं तेरे को 3 कॉस्ट में ले जाऊंगा, कहां पे, मैं तेरे को 3 कॉस्ट में ले जाऊंगा इंटरनेट पे, और ऐसी सी भी बोलेगा कि मैं तेरे को 3 कॉस्ट में ले जाऊंगा इंटरनेट पे। अब होगा क्या, ऑब्वियसली वो क्या करेगा, अच्छा बी ने बोला कि मैं तेरे को 3 कॉस्ट में ले जाऊंगा, और ए से बी की कॉस्ट क्या है 1, तो 3+1 क्या हो गई 4, वो 4 को 4 एज इट इज ही रखेगा, अभी 4 को 4 उसने एज इट इज रखा। अब उसी टाइम पे ए ने भी तो बी को भेजा होगा मैसेज, ए ने सी को भी भेजा होगा मैसेज, अब देखो ए सी को क्या कह रहा है, ए सी को कह रहा है कि यार मैं तेरे को 4 कॉस्ट में अब लेके जाऊंगा, तो 4 कॉस्ट में अगर लेके जाऊंगा तो 4+1, सी से ए की कॉस्ट क्या है 1, तो 4+1 क्या हो गई 5, अब ये क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। डिस्टेंस फैक्टर में हर बार हम अपडेट करते हैं, क्यों, क्योंकि हो सकता है डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कम ज्यादा होती रहो, ऐसा नहीं कि आपको फिक्स ही रखना है। ए ने सी को बोला कि मैं तेरे को 4 कॉस्ट में ले जाऊंगा, और सी से ए की कॉस्ट 1 है, तो 4+1 कितना हो गया 5, तो 5 अपडेट कर दिया। ऐसे ए ने बी को भी बोला कि भैया मैं तेरे को ले जाऊंगा विद द कॉस्ट ऑफ 4, लो 4+1 क्या हो गया 5, इसने भी अपडेट कर दिया। इसी तरीके से नेक्स्ट राउंड में क्या होगा,
ये इसको भेजेगा 5 cos, ये हो जाएगी 6 और ये अभी क्या रहेंगे 5 रहेंगे। फिर नेक्स्ट cos में क्या होगा, ये 6 भेजेगा तो 6 plus 1 क्या हो जाएगा 7 और ये भी क्या हो जाएगा 7। कहने का मतलब क्या कि ये इस तरीके से अपनी cost जो है वो बढ़ाते रहेंगे और ये cost जो है वो एक तरह से आपकी इस तरीके से बढ़ती रहेगी और ये इनफाइनाइट तक जो है वो पहुंच सकती है। इसीलिए इसको बोलते हैं काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम। तो यहां पे आपको मैं समराइज करके सिर्फ यही बता रहा हूं कि वो सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स सेंड करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट सेंड करते हैं। अगर वो ये भी भेज देना कि मैं तेरे थ्रू लेके जा रहा हूं या मैं इसके थ्रू, फिर तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम अक्कर नहीं होगी, बाद में ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता व्हाट इज अ काउंट टू इन्फिनिटी, दिस इज एक्चुअली द काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम। गेटिंग द पॉइंट? तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, इसी के ऊपर क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में आ जाता है। ऑल्दो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गेट का ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। थैंक यू।